हाय एवरीवन, आज मैं मेरे टॉप एसेंशियल हेयर केयर थिंग्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मुझे लगता है कि अगर आपको लॉन्ग हेल्दी एंड थिक हेयर चाहिए तो आपके पास होने ही चाहिए। सब नहीं तो चार पांच चीज़ें तो ज़रूर इंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी आपके पास होंगी। हम सब लोग अपने हेयर की अटमोस्ट केयर करते हैं और इसे हमेशा हेल्दी एंड शाइनी रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अपने हेयर को ग्रूम करने के लिए जिस तरह का कोम्ब यूज करते हैं, उसका भी इफेक्ट हमारे हेयर एंड स्कैल्प हेल्थ पर पड़ता है। नेचर ने हमें कई अच्छी चीजें दी हैं और वुड उनमें से एक है जो कि हमें हमारे हेयर के लिए यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला है वुडन कोम्ब। पुराने टाइम से ही लोग अपने हेयर के हेल्थ एंड ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए वुडन कोम्ब यूज करते आ रहे हैं। इसे कोम्ब करने से ये एक्यूपंक्चर पॉइंट को ट्रिगर और स्कैल्प मसाज करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा है और इसके ग्रेट बेनिफिट्स हैं। इससे स्कैल्प में प्रेजेंट नेचुरल ऑयल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ब्रेकेज एंड हेयर फॉल के चांसेस भी रिड्यूस होते हैं, जिससे हेयर शाइनियर, बाउंसर एंड हेल्थियर बनते हैं। इनके ब्रिसल्स प्लास्टिक कोम्ब के कंपैरिजन स्कैल्प पे जेंटल होते हैं एंड ओवरऑल हेयर एंड स्कैल्प के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है टोनर। आप एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाइल्यूट करके बना सकते हैं और इसे लास्ट रिंस या फिर रिंस करके 1 to 2 hours रखें, फिर शैम्पू कर लें। ये फ्लेक्स एंड डैंड्रफ के लिए यूजफुल रेमेडी है। डेड स्किन सेल्स को टारगेट करके ये हेल्दी स्कैल्प को प्रमोट करता है। इसके अलावा लेमन टोनर भी यूज किया जा सकता है। ये हेयर शाइनियर बनाने में, ऑयल एंड डैंड्रफ रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एक जग में आपको ड्रिंकिंग वाटर लेना है और उसमें फिर लेमन एंड हनी मिक्स करना है। ये डैंड्रफ के साथ डर्ट, ऑयल एंड इचिनेस को रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। लेमन कलर पिगमेंटेशन बिल्ड करने में एंड नेचुरल कलर मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद इसे किसी स्प्रे बॉटल में रख लो या फिर कटोरी में रख के कॉटन बॉल से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि हमने इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर यूज किया है, तो इसे हम पी भी सकते हैं। तो बचे हुए पानी को फेंकना नहीं है, हमें पी लेना है। लेमन में विटामिन सी, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं। ये स्किन एंड हेयर के लिए अच्छे होते हैं। ये हर बार फ्रेश बनाएं, जितना यूज करना है उतना ही रखें, बाकी आप पी सकते हैं। पूरे हेयर पे अच्छे से स्प्रे करें और 2 hours तक इसे बन में बना के रखें, फिर आप इसे शैम्पू से वॉश कर लें। पर ये या कोई भी टोनर आपको मंथ में 2 to 3 times ही यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं यूज करना है, क्योंकि ज्यादा यूज करेंगे तो इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जितना हम कम ये यूज करेंगे, इसके बेनिफिट्स हमें उतना ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट है ऑयल। अब चाहे आंवला ऑयल यूज करें, कोकोनट, आमंड, कैस्टर या फिर ऑलिव ऑयल, वीक में एक बार ऑयलिंग जरूर करें। अब चाहे आप वो कुछ आर्स के लिए रखें या फिर ओवरनाइट। हेयर ऑयलिंग से हेयर स्ट्रेंथन एंड हाइड्रेट होते हैं। ये हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करने के साथ फ्रिज प्रिवेंट, हेल्दियर एंड थिकर बनाते हैं। हेयर ऑयलिंग से हेयर सॉफ्टन होते हैं और फ्रिक्वेंट वॉशिंग से जो हेयर से विटामिन्स एंड मिनरल्स स्ट्रिप हो जाते हैं, वो भी मिलते हैं। फिंगर टिप से ऑयल स्कैल्प पे अप्लाई करके अच्छे से मसाज करें और फिर पाम्स में लेकर हेयर लेंथ एंड एंड्स पे अप्लाई करें। इसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। अब शैम्पू का इतना जिक्र मैं ऑलरेडी कर ही चुकी हूँ, तो नेक्स्ट है शैम्पू एंड कंडीशनर। ड्राई, डैमेज्ड एंड फ्रिजी हेयर के लिए बी ब्लंड का इंटेंस मॉइस्चर रेंज हेयर को डीपली मॉइस्चराइज एंड फ्रिज फ्री बनाने के साथ स्मूदर बनाएगा। इनमें होबा ऑयल एंड विटामिन ई है। होबा ऑयल में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह एक्ट करते हैं और हेयर को नरिश एंड स्ट्रेंथन करके उन्हें सॉफ्ट एंड शाइनी बनाते हैं। विटामिन ई ड्राई एंड फ्लेकी स्कैल्प को हाइड्रेट एंड रेजुविनेट करते हैं और साथ ही हेयर इलास्टिसिटी एंड शाइन को बूस्ट भी करते हैं। सैलून लाइक शाइन प्रोवाइड करने के लिए ये हेयर एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किए गए हैं और इसमें कलर प्रोटेक्ट फॉर्मूला भी है। बी ब्लंड एक प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड है जो कि अल्ट्रा मॉडर्न हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर केयर का सिनोनिमस है।
शैम्पू करने के बाद कंडीशनर मैं लेंथ्स एंड एंड्स पे अप्लाई करती हूँ, फिर 2 से 3 मिनट इसे लगे रहने देती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ। यहाँ मेरी एक टिप जो मैं फॉलो करती हूँ कि हमेशा एक्सेस वाटर अच्छे से रिमूव करती हूँ, वो भी टॉवल की हेल्प से। पहले पैड ड्राई करती हूँ फिर कंडीशनर अप्लाई करती हूँ। इससे मॉइस्चर अच्छे से हेयर में सील होगा और हेयर ड्राई एंड डैमेज नहीं होंगे। वैसे तो ये आपको Amazon, Nykaa एंड Flipkart पे भी मिल जाएंगे, पर अगर आप वेबसाइट से बाय करेंगे तो 20% ऑफ के लिए आप मेरा कूपन कोड MISTY2023 भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अब भी अपना हेयर ड्राई करने के लिए बिग बाथ टॉवल यूज़ कर रहे हैं तो आप उन हेयर बेनिफिट्स को मिस कर रहे हैं जो आपको माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करके मिल सकता है। तो नेक्स्ट है माइक्रोफाइबर टॉवल। माइक्रोफाइबर टॉवल लाइटर एंड कंफर्टेबल होते हैं और ये बिना फ्रिज एंड फ्रस्ट्रेशन के क्विकली हेयर को ड्राई करते हैं। ये एक्सट्रीमली जेंटल एंड सॉफ्ट होते हैं, क्विकली हेयर ड्राई करने के साथ हेयर को हेल्दी रखते हैं। इनसे ड्राई करते वक्त रब ना करें, पैड ड्राई करें। और अगर आपके पास माइक्रोफाइबर टॉवल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सॉफ्ट टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर टॉवल हेयर पे हार्श होते हैं, उनमें फ्रिक्शन ब्रेकेज ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हेयर मास्क। आंवला, मिल्क, बनाना या फिर कोई भी हेयर मास्क वीक में या फिर 15 डेज में एक बार अप्लाई करें। मैं यहाँ बनाना हेयर मास्क बना रही हूँ क्योंकि इतने पके हुए बनाना मुझे खाने से ज़्यादा हेयर में अप्लाई करना पसंद है। तो 1 से 2 बनाना लेकर उन्हें स्मैश करके उसमें हनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये फ्रिज रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, डैंड्रफ प्रिवेंट करते हैं और स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं। बनाना में पोटेशियम, नेचुरल ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स होते हैं जो कि हेयर को सॉफ्टन एंड हेयर की नेचुरल इलास्टिसिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ये ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर को भी रिपेयर करते हैं। मिक्स करने के बाद ये मैं स्कैल्प एंड हेयर पे अप्लाई करूंगी। इसे अप्लाई करने के बाद 30-40 मिनट्स रखना है, फिर गुनगुने पानी से वॉश करके शैम्पू कर लेना है। पर इसे हेयर से रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वॉश करने पे अगर ये ना निकले तो घबराना नहीं है, हेयर को पूरा कम्प्लीटली ड्राई होने देना है और फिर कोम करने पे ये पूरा निकल जाएगा। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल। इसका अगर प्लांट हो तो वो यूज़ करें, नहीं तो फिर आप कोई भी एलोवेरा जेल बाय कर सकते हैं। इनको हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हेयर मास्क की तरह। ये हेयर स्ट्रेंथन करेंगे, ग्रीसीनेस इचिनेस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेंगे। इनके साथ ये हेयर ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। इसमें डीप नरिशिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्कैल्प एंड हेयर को बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। नेक्स्ट, अगर आप हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं तो हीट प्रोटेक्शन मिस्ट भी ज़रूरी है। ये हेयर पे सनस्क्रीन की तरह एक्ट करते हैं, हीट डैमेज को ये मिनिमाइज़ करेंगे। इसे यूज़ करने से हेयर में मॉइस्चर, शाइन एंड वॉल्यूम ऐड होगा, जिससे फिर फ्रिज कम होंगे और हेयर ज़्यादा मैनेजेबल होंगे। ये ब्लो ड्रायर्स, स्ट्रेटनर्स एंड कर्लिंग आयरन से प्रोटेक्ट करके हेयर स्टाइलिंग में भी हेल्प करेगा। अब कुछ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो मुझे यूज़ करना पसंद है, उनमें से ये है स्क्रंची। ये मैंने मिंत्रा से लिया था, इनमें हेयर डैमेज नहीं होते हैं और इनसे अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल भी बन जाती है। तो रबर बैंड्स की जगह स्क्रंचीज यूज़ करें ताकि जब इनसे आप हेयर टाई करें या जब रिमूव करें तो आपके हेयर ब्रेक ना हो। और ये टिक टैक्स मैंने डीमार्ट से लिया था, ये ज़रूरी नहीं है पर इनसे क्यूट क्यूट हेयर स्टाइल बन जाती है, तो ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। और ये क्लिप्स मेकअप या फिर मास्क वगैरह अप्लाई करते वक्त यूज़ करती हूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है, तो कोई भी नॉर्मल क्लिप ऐसे टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। और ये भी मुझे क्यूट लग रहा था इसलिए मैंने लिया था। और ये क्लचेस शायद मैंने जूडियो से लिया था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, तो ये भी मैं हेयर स्टाइल के लिए ही यूज़ करती हूँ और ये भी ज़रूरी नहीं है, बस मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। हेयर बैंड जो कि मैं रेयरली यूज़ करती हूँ जब मैं मास्क वगैरह अप्लाई करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और क्यूट है, तो ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इनमें से स्क्रंची सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि होनी चाहिए। और अब लास्ट है ये सिल्क पिलो कवर। ये तो मुझे लगता है कि सबके पास होना ही चाहिए क्योंकि सोते टाइम हमारे हेयर जो होते हैं वो रब होते हैं,
फिर ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स एंड डैमेज्ड होते हैं वो, तो सिल्क उन सब से प्रिवेंट करता है। इसी के साथ यहाँ होती है वीडियो ख़त्म। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर हेल्पफुल रही हो वीडियो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।